ओके बच्चों, तो एग्जाम्स करीब आ रही है और अब रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो अब मैं सीरीज चालू करूंगा बहुत सारे चैप्टर्स की, जिसमें से पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। तो अब देख सकते हो पहले बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर उन्होंने क्या पढ़ा होगा। मैं फटाफट रिवाइज करूंगा 10-15 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। जितना इंपॉर्टेंट है उसके हम बात करेंगे। तो पहली जो हमने चीज पढ़ी होगी वो पढ़ी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, करेक्ट। स्ट्रिंग है, आपने वो स्ट्रिंग में, धागे में स्टोन टाई कर दिया हो, उसको आप घुमा रहे हो, करेक्ट। वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कल में घूम रहा है। वो क्यों घूम रहा है? क्योंकि एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, द फोर्स विच एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। जैसे कि ये स्ट्रिंग है, हमने स्टोन टाई कर दिया, अब ये सर्कल में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे, करेक्ट। तो क्यों? बिकॉज वो घूम रहा है सर्कल में, ओनली बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो नेसेसरी कंडीशन इज दिस फोर्स, करेक्ट। तो ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर आपने पढ़ा होगा केपलर के लॉ, बराबर के नहीं, केपलर के तीन लॉ पढ़े होंगे आपने बच्चों, पहला दूसरा और तीसरा। बोल कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला लॉ क्या बोलता है केपलर का? प्लैनेट है, फोकाई है, तो फर्स्ट लॉ बोलता है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। कोई भी एक प्लैनेट एलिप्स में घूमेगा जिसका सन एक फोकस पे होगा, एक फोकाई पे होगा। इसका मतलब समझाने का मतलब नहीं है, सिर्फ रिविजन करो आप। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। लॉ ऑफ इक्वल एरियाज क्या बोलता है? अभी समझो प्लैनेट इधर है, 50 डेज के अंदर अंदर प्लैनेट इधर आ गया, तो कुछ एरिया स्वैप करेगा वो, लेट द एरिया बी A1। फिर प्लैनेट इधर है 50 डेज के बाद बाद प्लैनेट इधर आ गया, तो कुछ एरिया निकालेगा वो, कुछ एरिया बनाएगा। प्लैनेट इधर है अब 50 डेज के अंदर अंदर, प्लैनेट इधर आ गया, तो कुछ एरिया होगा इसका, इसका एरिया हो गया A2, इसका एरिया हो जाएगा A3। सो अगर टाइम इंटरवल सेम है, अगर टाइम इंटरवल सेम है 50 डेज 50 डेज 50 डेज, तो एरिया स्वेप्ट विल बी इक्वल। ये सेकेंड लॉ बोलता है। तो आपने क्या पढ़ा होगा? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर टाइम सेम है, जो इस केस में 50 डेज में ले लिया था, तो एरिया भी सेम होगा। फिर आपने थर्ड लॉ पढ़ा होगा बच्चों, क्या पढ़ा था थर्ड लॉ? याद करो, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको ये पता होगा तो आप लिख सकते हो द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, जो टाइम लग रहा है उसको घूमने के लिए, डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या? अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, क्या? घूमने का प्लैनेट को अराउंड सन। तो यहाँ पे थर्ड लॉ में पढ़ा होगा। फिर बच्चों आपने पढ़ा होगा डिंग 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 डिंग, दो ऑब्जेक्ट्स है M1 मास के, M2 मास के, फोर्स एग्जर्ट करते हैं, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं डिस्टेंस इनके बीच का, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आर लू, आपके टेक्स्टबुक के नोटेशन यूज किया है डी, कंफ्यूज मत होना बच्चों। तो दैट फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फोर्स बिटवीन टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो आपको m1 m2 बाय डी स्क्वायर आएगा, जहां पर m1 m2 मासेस है ऑब्जेक्ट के और d डिस्टेंस है उनके बीच का, और g की वैल्यू है 6.67 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है यूनिट, उसको आप डिराइव कर सकते हो, करेक्ट। एक और बच्चों याद रखना, एक और चीज याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वैल्यू ऑफ जी डिस्कवर की थी हेनरी कैवेंडिश ने, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, करेक्ट। तो ये हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था बच्चों? आपने क्या देखा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर या तो d स्क्वायर, जो भी आपने लिया हो। तो ये r स्क्वायर ही क्यों है? ये r क्यूब भी हो सकता था, r = 6 भी हो सकता था। तो उसका आपने डेरिवेशन किया है बच्चों, अगर आपको याद हो तो,
एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। वो वी के मतलब क्या क्या फिट किया, 2 पाई आर अपॉन टी, याद आ रहा है तो बच्चों, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो अपने एफ को वी के बदले 2 पाई आर अपॉन पुट किया, इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा देखो, एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय आर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू एम इन टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर अपॉन आर। करेक्ट करेक्ट, इधर आर भी है नीचे, साथ ही आर भी है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम इन टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर। बराबर बच्चों, हमको पता है आर क्यूब और टी स्क्वायर क्या है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या है, 1 अपॉन के, आपने पढ़ा होगा इस समय, क्विकली रिवाइज कर रहा हूं तुमको सिर्फ। तो आपको आर स्क्वायर मिल गया नीचे, इसीलिए यहां पर आर स्क्वायर है। तो ये जो है हमने केपलर के लॉ से यूज किया, आप देख सकते हो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज 1 अपॉन के, हमने पढ़ा था टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज के। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है, तो 1 अपॉन के हो जाएगा, करेक्ट। तो ये प्रोसीजर है, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ क्विकली रिवाइज करा रहा हूं, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये सब आता होगा। फिर आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मास एंड वेट, अगर आपको याद हो तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोमा के लिए पूछ सकते हैं, मास वेट, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मसाला है अंदर, वेट इज फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अस, अर्थ हमको खींच रहा है। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ, हम भी अर्थ को खींच रहे हैं, अर्थ भी हमको खींच रहा है, लेकिन अर्थ काफी ज्यादा फोर्स से खींच रहा है हमको, इसीलिए हम नीचे गिरते हैं जब हम जंप मारते हैं, खुद ही मारते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी, मास हर जगह सेम होती है। अगर अर्थ पे मेरा मास 5 केजी है तो मेरा जुपिटर पे भी मास 5 केजी ही होगा, लेकिन वेट चेंज होता है, क्यों, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू जी। तो जैसे जी चेंज होगा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी चेंज होगा, वैसे ही वेट चेंज होगा। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फिर आपने पढ़ा होगा स्मॉल वैल्यू ऑफ जी को कैसे डिराइव करते हैं बच्चों, सिंपल है, काफी सिंपल है, फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ, एंड फोर्स इज नथिंग बट यू नो फ्रॉम लास्ट ईयर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट हमको पता है अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने पढ़ा है ये सब। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो मैं इसको इधर पुट कर सकता हूँ, एम इंटू जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। अगर मैं एम वन को छोटा एम लू और एम टू को कैपिटल एम लू, इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो जी इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर, ये आ गया आपको स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। अगर आप कैपिटल जी पुट करोगे, कैपिटल एम पुट करोगे, आर पुट करोगे जो कि रेडियस है, अगर आप अर्थ के लिए जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर जो कि अर्थ का रेडियस है। तो मास अर्थ का 6 × 10^24 केजी है, आपको रेडियस मिल सकता है, आप पुट करोगे तो आपको जी की वैल्यू करीबन करीबन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगी, ठीक है, ये मैं करीबन करीबन अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ। फिर आपने पढ़ा होगा ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ एंड ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी कैसे चेंज होता है पोलर इक्वेटर की तरफ, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, काफी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी, करेक्ट। फिर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाता है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से, उसका आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा दो पार्ट्स में, आप खाली एक बार मेरी सुन लेना बात, फिर आप उसको कर लेना। अगर प्लैनेट अर्थ पे है और इन्फिनिटी पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी प्लैनेट के प्लैनेट पे और इन्फिनिटी पे दूर सेम होगी, तो उसको हम इक्वेट करेंगे और हमको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर आपने छोटी छोटी चीजें पढ़ी होगी, LIGO का फुल फॉर्म लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, सर क्या बोले, टेक्स्टबुक में दिया गया है बेटा, मैं आपको खाली क्वेश्चंस बता रहा हूँ। फिर आपने ग्रेविटेशनल वेव्स करके टॉपिक पढ़ा होगा, हाई टाइड लो टाइड पढ़ा होगा, ये सब चीज खाली एक बार रीड मार लेना, ठीक है, एक बार सिर्फ रीड कर लेना। फिर आपने फ्री फॉल पढ़ा होगा, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी पे गिरता है नीचे, देखो अर्थ पे क्या हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरते हैं तो काफी फोर्स अफेक्ट करता है, एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, फ्रीक्वेंसी अपना फ्रिक्शन हो सकता है, लेकिन अगर वैक्यूम में जहां पर एयर ही नहीं है तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो उस कंडीशन को हम फ्री फॉल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो ये इक्वेशन है, इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो अगर फ्री फॉल पे है तो यू विल बी इक्वल टू जीरो एंड ए विल बी इक्वल टू जी, आप पुट कर दीजिए आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये जीरो हो गया तो ये जी हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ये जी हो जाएगा,
ये जीरो ये जी, तो ये फ्री फॉल की इक्वेशन थे पहला सेकंड और थर्ड, तो ये आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। तो आई होपफुली मैंने आपकी सब टॉपिक्स कवर कर लिया है, क्विकली मैंने आपको रिवाइज करा लिया है, अगर वो छूट गया आई डोंट थिंक सो कुछ छूटा है, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपके लिए कवर कर चुका है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आप चैप्टर 13 में भी देखोगे 11.2 करीबन किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, फटाफट करा दिया है, आपको अच्छे से उसको कर लेना है।